वेलकम। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और झारखंड के स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं झारखंड के हिस्ट्री के बारे में। तो झारखंड के हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले हमें 19 सेंचुरी में जाना ज़रूरी है। अर्ली 19 सेंचुरी, अर्ली 19 सेंचुरी, जबकि आप देख सकते हैं नाम जयपाल सिंह मुंडा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है इन द हिस्ट्री ऑफ झारखंड। द मूवमेंट फॉर ए सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। तो इन्होंने ही पहले बोला था कि झारखंड को जो है वो सेपरेट स्टेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चलते हैं, थोड़ा सा जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जानना पर बहुत ही ज़रूरी है। ये कौन थे? ये एक ओलंपियन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाए थे 1928 में। और ये टाइम पीरियड, लाइफ स्पैन के बारे में याद रखिएगा, 3 जनवरी 1903 से लेके 20 मार्च 1970 तक, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आदिवासी थे, ट्राइबल मैन, और वो कैप्टन भी हुए थे। और जबकि मैंने पहले भी बोला था इसके बारे में, मैं बोलता हूँ, कैप्टन थे इंडियन हॉकी टीम के। और ये आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल इन 1928 समर ओलंपिक, जो कि एम्स्टर्डम में खेला गया था, तब जयपाल सिंह मुंडा इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे और उस टाइम को इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओलंपिक 1928 एम्स्टरडम में खेला गया था, जयपाल सिंह मुंडा। अब थोड़ा सा विस्तार से इनके बारे में ये हमारे यहाँ पर स्पाइडर नोट के तरीके से हम जानेंगे। जयपाल सिंह मुंडा यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैप्टन इंडिया नेशनल हॉकी टीम टू क्लिंच गोल्ड मेडल एट 1928। जयपाल सिंह, पॉपुलरली नोन एज मरंग गोमके, मरंग गोमके उनको कहा जाता है। इसका मीनिंग है ग्रेट लीडर, ठीक है, थोड़ा सा जान के रखिए। तो छोटा नागपुर रीजन में जो आदिवासी पीपल थे, उन्होंने, आदिवासी लोग थे, उन्होंने ये नाम उनको दिया था मारंग गोमके, जिसका मीनिंग है ग्रेट लीडर। इसके बारे में बाद में बताता हूँ, बहुत ही अच्छे लीडर थे आदिवासी समाज में, सोल लीडर ऑफ आदिवासी, मेंबर ऑफ, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी बने थे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। फिर आते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था मरम गोम के, इसका मीनिंग जो है ग्रेट लीडर, बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रेट लीडर, ये हाईलाइटेड हुआ है, आप जान के रखिए। छोटा नागपुर रीजन के जो पीपल थे, जो लोग थे आदिवासी समाज में, वो ट्राइबल पीपल ने उनको ये नाम दिया था, दिस नेम वॉज गिवन टू हिम बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ छोटा नागपुर रीजन। अब थोड़ा सा हमें छोटा नागपुर रीजन के बारे में जानना ज़रूरी है, इसके बाद हम जानेंगे। छोटा नागपुर प्लेटो को जानने के लिए ये आप देख सकते हैं कि पेनिनसुलर प्लेटो किसको कहा जाता है, उसको हमें जानना ज़रूरी है। तो आइए चलिए देखते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, इंडियन पेनिनसुलर इसको कहा जाता है। तो ए पेनिनसुलर इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट एंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, इसके चारों तरफ वाटर होंगे, बाय वाटर
बट इज कनेक्टेड टू द मेन लैंड ऑन वन साइड, और एक तरफ से ये मेन लैंड के तरफ कनेक्टेड हो गए। बेस्ट उदाहरण है इंडियन पेनिनसुलर, देखिए तीनों तरफ इसके वाटर है और जो है ये मेन लैंड के साथ कनेक्टेड है। तो पेनिनसुलर जो है वो छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा यूएस के तरह, बहुत बड़ा यूएसए के तरह बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो ये भी एक डेफिनेशन है, पेनिनसुलर कैन बी वेरी स्मॉल, छोटा हो सकता है, समटाइम्स ओनली लार्ज इनफ फॉर ए सिंगल लाइट हाउस, छोटा सा लाइट हाउस के तरह भी छोटा भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंट लाइट हाउस ऑफन सिट ऑन पेनिनसुलर नियर रॉकी कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन के साइड पे होता है, टू वर्न सेलर दैट दे आर गेटिंग क्लोज टू लैंड। ठीक है, तो वर्न करने के लिए होता है सेलर को। पेनिनसुलर कैन ऑल्सो भी वेरी लार्ज, जिसके बारे में मैंने कहा भी है, मोस्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ फ्लोरिडा द पेनिनसुलर दैट सेपरेटेड द गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड अटलांटिक ओशन। तो ये था सारा पेनिनसुलर का डेफिनेशन है। अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं, इसके पहले इसके बाद हम देखेंगे। अच्छा, अब क्यों कह रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिविजन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, और इस तरफ ए ग्रुप पे देखिए सेंट्रल हाइलैंड्स और बी ग्रुप पे देखिए डेकन प्लेटो। इसका ज़रूरत अभी नहीं है, अभी हम ए ग्रुप पे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड, बागेलखंड और चार नंबर पे देखिए छोटा नागपुर प्लेटो। तो इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि पेनिनसुलर क्या है और इसके बाद ये डिविजन आपको दिखाया। हालांकि ये पेनिनसुलर प्लेटो पर क्लास नहीं है, जब जियोग्राफी का क्लास होगा तो उस टाइम पर विस्तार पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हमें इलाबोरेट करना है, छोटा नागपुर प्लेटो, तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। चलिए छोटा नागपुर प्लेटो उसको इलाबोरेट करते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेटो जो है प्लेटो ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया की तरफ है, विच कवर्स मच ऑफ द झारखंड स्टेट एज वेल एज एडजेसेंट पार्ट ऑफ उड़ीसा, अपर वेस्ट बंगाल के पार्ट भी कुछ लिया है, जो बिहार, छत्तीसगढ़, तो इस मिलाकर ये हुआ है छोटा नागपुर प्लेटो। द इंडो गंडेटिक प्लान लाइज to the north and east of the plateau and basin of Mahanadi. Mahanadi ka jo basin hai, wo river lies to the south. Total area iska jo hai, Chhota Nagpur plateau ka jo total area hai, wo approximately 65,000 square kilometer, jo 25 square miles hai. Theek hai? To ya aapke samne hai Chhota Nagpur plateau. Is a plateau इन ईस्टर्न इंडिया विच कवर्स मच ऑफ झारखंड स्टेट, झारखंड स्टेट ज़्यादा है को कवर किया है, एज वेल एज एडजेसेंट पार्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़, जिसके बारे में मैंने अभी आपको कहा है। तो यहाँ पर जो पार्ट है फिर झारखंड भी होगा, तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, एक दो तीन चार और पाँच, पांच स्टेट्स से स्टेट्स को लेके छोटा नागपुर जो प्लेटो है वो हुआ है। तो ज़्यादातर कवर किया है झारखंड को, पर छोटा नागपुर प्लेटो अभी अभी आपको मैंने कहा भी है, जो बेसिन है महानदी रिवर लाइस टू द साउथ, साउथ में है अप्रोक्सीमेटली, ये भी मैंने आपको कहा 65,000 स्क्वायर किलोमीटर हाई, जो रेंज है वो 1,100 मीटर से लेके 300, और इम्पोर्टेंट रिवर दामोदर, सोन, बोकारो, सुवर्णरेखा, कांची, गया, कोयल, कोरा, राउ,
ये सारे का सारा जो इम्पोर्टेंट है, इसमें दामोदर को याद रखिए, सोन, बुकारो, सुवर्णरेखा, गया, ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट रिवर है। दामोदर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये छोटा नागपुर प्लेटो में पड़ता है। इस पूरे आइडिया को तो रियलिटी भी नहीं मिलता, द आइडिया डिड नॉट बिकम ए रियलिटी हावर अंटिल अगस्त 2 2000 तक। इस ये जो झारखंड बनेगा, बिहार से निकल के झारखंड बनेगा, इस आइडिया को रियलिटी भी नहीं मिलता कब तक, अगस्त 2 2000 तक। व्हेन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल ये निकाला था, टू क्रिएट स्टेट ऑफ झारखंड, कार्विंग 18 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ बिहार टू फॉर्म झारखंड स्टेट। झारखंड स्टेट को बनाने के लिए बिहार से 18 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 18 डिस्ट्रिक्ट को निकाल के झारखंड स्टेट बनाया जाएगा ऑन 15 नवंबर, 15 नवंबर को, और वो 2000 साल था, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑन दैट डे झारखंड बिकम द 28th स्टेट ऑफ इंडिया, 28th स्टेट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसको कैसे याद रखना है, मैंने पहले वाले वीडियो में झारखंड जीके वाला पार्ट में आपको दिखाया था, और वो वाला वीडियो देख लेना तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आपके दिल में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई झारखंड वॉज फॉर्म, झारखंड बनाया गया तो क्यों, इसका लॉजिक क्या है। तो हर स्टेट बनाने के पीछे एक लॉजिक होता है उन लोगों का। तो यहाँ पर कुछ लॉजिक ये था कि एथनिसिटी, इन द पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स वर वेरी लार्ज, ठीक है। बिहार में जो पॉपुलेशन थे ट्राइबल ग्रुप का, आदिवासी पीपल का, तो वो बहुत बड़ा था, हेवी था। तो पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स वेरी लार्ज एक रीज़न है। और उनका जो लिविंग स्टाइल, ये लिविंग स्टाइल डिफरेंट था नॉर्थ बिहार से। हम जानते हैं कि बिहार के साउथ पार्ट से ये झारखंड निकल के बाहर आया, 18 डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो इनका जो लिविंग स्टाइल था वो नॉर्थ बिहार से बिल्कुल भी अलग था। द इंटरेस्ट एंड डिमांड्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इनका जो इंटरेस्ट था, इनका जो डिमांड था, वो बहुत अलग था। दे लिव दे आर लाइफ इन नेचुरल हैबिटेट, फॉरेस्ट, माउंटेन, ज़्यादातर जंगल में रहते थे, माउंटेन में रहते थे, ठीक है। दे आर बिलीव्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्थ बिहार का जो पार्ट है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का पार्ट है नीचे, अच्छे तरीके से देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर इंटरेस्ट एंड डिमांड्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये तो मैंने बोला। नेचुरल हैबिट एंड फॉरेस्ट, माउंटेन में ज़्यादातर रहते थे, उनका बिलीव भी अलग था, और अलग था एग्रीकल्चरल सिस्टम, और ज़्यादातर प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल पे सिस्टम पे बिलीव करते थे। तो इसीलिए, और एक बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है, पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइबल पीपल इन द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार में उनका जो रिप्रेजेंटेटिव, जो हम जानते हैं कि स्टेट से एमपीज जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलएस होते हैं, तो इन वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। तो पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइबल पीपल इन द गवर्नमेंट एक रीजन है, ठीक है। ऑल्दो द पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल वॉज वेरी लार्ज, हम जानते हैं कि ट्राइबल पीपल का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स वर वेरी पोअर इन द स्टेट गवर्नमेंट, सरकार में उनका जो रिप्रेजेंटेशन था बहुत कम था, व्हिच अल्टीमेटली लीड टू बैकवर्डनेस ऑफ देयर ऑफ दिस पीपल इवन आफ्टर 53 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो एक रीज़न है, पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल वेरी लार्ज, लेकिन रिप्रेजेंटेशन वो बहुत कम था, ठीक है। तो सारे इस पिक्चर को भी याद रखिएगा पॉइंट वाइज। और एक था ऑपरेशंस ऑफ
ट्राइबल पीपल लोग उनके ऊपर शोषण चल रहा था। और इसी एक बात से यहाँ पर देखिएगा कि माओवाद यानी कि माओइज्म बहुत फैला हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पर बहुत कुछ डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जो माओइस्ट ऑक्यूपाइड है, यानी कि रेड कॉरिडोर के अंदर पड़ता है। रेड कॉरिडोर किसको कहते हैं वो मैंने एक करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है, तो वाला देख लीजिएगा कौन कौन से स्टेट रेड कॉरिडोर से अफेक्टेड है, ठीक है। तो एक है ऑपरेशंस ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइबल ग्रुप्स नेचुरल होम इज़ फॉरेस्ट एंड माउंटेन। अभी मैंने कहा आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेन में वो ज़्यादातर रहते थे। दे लिव देयर लाइफ इन नेचुरल हैबिटेट, बहुत अच्छी बात है। इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस माइनिंग एंड टिम्बर प्रोडक्शन वॉज डन ह्यूज स्केल एंड ट्राइबल ग्रुप्स वेर ऑप्रेस्ड रेगुलरली। और यहाँ पर आप जानते हैं कि माइनिंग होता था, पहले भी होता था, इंडिपेंडेंट के पहले भी होता था। तो इससे क्या होता था, ये जंगल काटे जाते थे और इसीलिए इनका जो होम है होमलैंड वो उजड़ जाता था और इसलिए ये ज़्यादातर इनके ऊपर अत्याचार होता था। तो ये एक बात है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सम न्यू एक्ट्स जो लाया गया है फिफ्थ शेड्यूल में, याद रखिएगा फिफ्थ शेड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बैठाया गया इन इंडिया। शेड्यूल्स एरियाज आर दोस एरियाज विच आर ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स एरियाज। अदर एरिया से ए डिफरेंटली ट्रीटेड होगा इन ए स्टेट दैट होल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑपरेटिंग द स्टेट इज नॉट extended to these areas and the central government has somewhat greater responsibility for these areas. The scheduled areas can be established under article 244 and 5th schedule of the constitution in any state except Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, a state ko chhodke. तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 244 फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। और यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन देना ट्राइबल पीपल जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको प्रोटेक्शन देना। प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू ट्राइबल्स लिविंग इन द शेड्यूल्स एरियाज एलिनेशंस ऑफ देयर लैंड्स एंड नेचुरल resources to non-tribals, ठीक है। और एक important है loss of employment जो हो रहा था, loss of employment, low agricultural activities, they lost most of their lands, जो अभी मैंने कहा था ये mining होता था इसलिए land acquisition होता था उनका और उसके लिए वो अपने land से बेदखल होते थे आउटसाइडर एंड सफर्ड फ्रॉम द इनहैबिटेंस, बेघर हो जाते थे, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अभी मैंने बोला आपको एंड लो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज विद टू थर्ड पॉपुलेशंस ऑफ नॉन ट्राइबल्स एक्सप्लॉयटेड। ये नॉन ट्राइबल जो थे, नॉन ट्राइबल एक्सप्लॉयटिंग पोर ट्राइबल्स, पिक्चर को याद रखिए, ठीक है। इसीलिए बनाया गया कि आप पॉइंट वाइज इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और एक था पोर्ट डेवलपमेंट ऑफ साउथ बिहार। साउथ बिहार का जो डेवलपमेंट हो रहा था बहुत ही कम हो रहा था, ये उनका मानना था। इवन आफ्टर ह्यूज सम्स प्रोवाइडेड टू सेंट्रल टू बिहार एवरी ईयर द ग्रोथ ऑफ बिहार वॉज अबेसमल, ठीक है। स्पेशली द साउदर्न पार्ट वर लीस्ट फोकस्ड, बहुत कम फोकस्ड हो रहा था, ठीक है। लीस्ट फोकस इसको याद रखिए ना कि साउथ पार्ट पे फोकस कम हो रहा था। तो वो लोग सोच रहे थे कि अगर हम अलग हो जाए तो हमारे ऊपर फोकस ज़्यादा होगा क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हमारा ज़्यादा होगा, हमारा खुद का रिप्रेजेंटेशन होगा, वो लोग सोच रहे थे। तो इसीलिए
एक पॉइंट है कि झारखंड बिहार से निकल के बाहर आए, स्पेशली द साउदर्न पार्ट वेयर लीस्ट फोकस वॉज गिवेन फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस, और साउदर्न पार्ट का जो लीडर थे दो जो बिहार से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लीडर्स ऑफ साउदर्न बिहार हैड नो बिग पार्ट टू प्ले, उनको करने का कुछ दिया नहीं जाता था, उनको करने का कुछ नहीं था, बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द नॉर्दर्न लीडर्स, नॉर्थ पार्ट के जो लीडर थे उनके द्वारा सरकार ज़्यादातर चलाया जाता था, ठीक है, तो ये उनका एक मानना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर फोकस डालेंगे कि विथ ऑल दिस रीजंस एंड लेटर विथ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड से मूवमेंट एंड फॉर द स्प्रेड सेपरेट ट्राइबल स्टेट ऑफ झारखंड फॉर ट्राइबल पीपल स्टार्टेड ड्यूरिंग लेट, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1930 से लेके जो 1940 तक जो एक मूवमेंट हुआ था, यहाँ तक आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है टाइम पीरियड को, अंडर द लीडरशिप ऑफ जयपाल सिंह, फिर से आते हैं जयपाल सिंह मुंडा, उन्होंने झारखंड पार्टी बनाया था, फाउंडेड 1950 में बनाया गया था, 1949 मार्च 5 1949, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा 1949 मार्च, ठीक है 5 1949, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था रांची में, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। बट द ओनली 1/3 populations of tribal people demanded a few state for tribal was not possible logical, एक तिहाई जो population थे वो चाहते थे कि tribal लोगों के लिए एक अलग state बनाया जाए, जो logically possible नहीं था, कि आप जानते हैं rule क्या है, और JKP यानी कि झारखंड party वो अपना डिमांड चलाते जा रहे थे, ठीक है। द पार्टी फेयर्ड वेल इन 1952 इलेक्शंस एंड गॉट 32 सीट्स आउट ऑफ 302 सीट्स इन बिहार असेंबली, बिकम ए मेजर अपोजिशन पार्टी बन गए थे JKP, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर जाके JKP कांग्रेस के साथ मर्ज हो गया था इन 1963, JKP मार्ज विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मार्ज वॉज क्वाइट अनपॉपुलर, ये मार्ज उनके लिए ठीक नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे पार्टी लीडर उनके स्प्लिंटर जो थे वो ग्रुप छोड़ के अलग ग्रुप बनाने लगे, और JKP बहुत सारा JKP बनेगा, मेनी ऑफ क्लेमिंग द नेम ऑफ JKP, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऑन 9 जनवरी 2009 शिबू सोरेन जो कि थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड थे, झारखंड जनमुक्ति मोर्चा के लीडर है, वॉज डिफीटेड, एक बाई इलेक्शन हुआ था नुबाइस गोपाल कृष्ण पीटर एलाइस विद राजा पीटर झारखंड पार्टी बाय मार्जिनल ओवरऑल 9000 वोट से हार गए थे, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर आप देख सकते कि अंडर द लीडरशिप ऑफ जयपाल सिंह झारखंड पार्टी वॉज फाउंडेड 1950, बट विथ ओनली 1/3 पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल डिमांडेड न्यू स्टेट्स ऑफ ट्राइबल वॉज नॉट पॉसिबल और लॉजिकल, अभी मैंने आपको कहा उस बारे में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसके लिए रिजेक्टेड कर दिए थे, उनका जो डिमांड था उसको रिजेक्टेड कर दिया था। और एक बात याद रखिएगा कि फर्स्ट जो स्टेट बन के आया था
वो भाषा पे ऊपर डिपेंड करके आया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी बोल रहा हूँ आपको, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज था हैदराबाद स्टेट ना, ठीक है, क्योंकि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का ये मानना था कि ट्राइबल पीपल बहुत कम है, उनका जो भाषा है वो बहुत कम कम बोला जाता है, तो इसीलिए ये लॉजिक ठीक नहीं है कि उनको डिफरेंट स्टेट दिया जाए, ठीक है। तो एक लॉजिक था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का, तो इसीलिए इस मुद्दे पे इसको बोला गया। इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट जो स्टेट लैंग्वेज के बेस पे बन के आया था वो था आंध्र प्रदेश, और फिर जो हम डिस्कस करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, वो बना था फॉर्म्ड इन 1972 विद द रीजन दैट होल साउथ बिहार वायर एक्सप्लॉयटेड बाय द नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार के द्वारा साउथ बिहार शोषित हो रहा था, इसीलिए जो JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बन के बाहर आया था, और टाइम पीरियड आपको याद रखना ज़रूरी है 1972, ठीक है। ग्रांटेड ए न्यू स्टेट फॉर साउथ बिहार, साउथ बिहार के लिए एक नया स्टेट वो भी डिमांड कर रहे थे, विद ए होप दैट विद ए न्यू स्टेट दे वुड हैव ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन। अभी मैंने आपको बोला कि अगर उनका एक अलग स्टेट बन जाए तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ये उनका मानना था, एंड वेट उनका जो वजन होगा वो बिहार से ज़्यादा होगा। JMM वॉज जॉइंट बाई मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड अदर पार्टीज, एंड सिद्धू सोरेन, आप जानते होंगे कि मैंने अभी आपको बोला साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार, और ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। और फिर JMM जो है वो मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ ज्वाइन हो गया था, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिए, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वेरियस रीजन कॉम्बाइंड एंड झारखंड केम इन टू एग्जिस्ट, झारखंड केम इन टू एग्जिस्ट 15 नवंबर, यहाँ पर नो हो गया, यहाँ पर भी होगा 15 नवंबर 2000, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देके देखिएगा, झारखंड पार्लियामेंट्री रिजल्ट 2014, बीजेपी जो है वो 12 सीट्स उनको मिला है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उनको 2 सीट मिला है, यहाँ पर दुमका और यहाँ पर राजमहल पर 1 सीट उनको मिला है, और विजय कुमार हंसदक यहाँ पर जो विनर बने हैं उनका नाम यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबू सोरेन दुमका, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर जो है वो 2 है, यहाँ पर 1 है, और ये सारा का सारा बीजेपी ऑक्यूपाइड, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 13 पलामू विष्णु दयाल राम बीजेपी पार्टी के हैं, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 4 सुनील सिंह बीजेपी। थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 10 सिंहभूम, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 4, और ये पार्लियामेंट्री रिजल्ट दिया जा रहा है जमशेदपुर में कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर जो 4 है 9 है वहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर 7, रांची कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 8, 14 हजारीबाग, कोडरमा कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 5, ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। और ये दोनों जो सीट्स हैं ये
दो ही सीट्स झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है। ठीक तरीके से अब देख लीजिए, थोड़ा सा अगर लाया जाए तो आपको यहाँ पर विनर का नाम, पार्टी, कौन सा पार्टी दिखाया जा रहा है। तो एक बार फिर से आपको दिखाया जा रहा है, आप थोड़ा सा आँख मार लीजिए, देख लीजिए, कोडरमा से कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 4 5 है, यहाँ पर 3 और 1 पे जनमुक्ति मोर्चा, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए तो आपको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक तरीके से आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन देयर वॉज ऑलरेडी अ डिस्टिंक्ट जियोपॉलिटिकल कल्चरल एंटिटी कॉल्ड झारखंड इवन बिफोर द पेयर्ड अप मगध एम्पायर। तो यहाँ पर कुछ हिस्टोरियन, कुछ ऐतिहासिक मानते हैं कि मगध एम्पायर के शुरू होने से पहले झारखंड में एक अलग जियोपॉलिटिकल कल्चर था, तो एक मानना है। और कुछ हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि झारखंड का जो लैंग्वेज है और हड़प्पा पीपल का जो लैंग्वेज है वो कुछ सिमिलरिटी है। ठीक है, मेनी स्कॉलर्स नाउ बिलीव दैट द लैंग्वेज यूज्ड बाय ट्राइब्स इन स्टेट ऑफ झारखंड इज आइडेंटिकल टू द यूज्ड ऑफ हड़प्पा पीपल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर यहाँ पर मैथिली, हिंदी, बंगाली भी बोला जाता है, हिंदी, बंगाली, उड़िया, उर्दू, इंग्लिश आर द मेजर लैंग्वेज ऑफ झारखंड। झारखंड पीपल मोस्टली स्पीक्स मैथिली इन साउदर्न पार्ट लाइक गोडा, देवघर, मधुपुर। ठीक है, बट इन रूरल पार्ट्स संताली बोला जाता है। गांव में जो रूरल पार्ट्स है वहाँ पर संताली बोला जाता है। लैंग्वेज यूज्ड इन ट्राइब्स झारखंड एंड हड़प्पा पीपल लैंग्वेज, दिस हैज लीड टू ग्रेट इंटरेस्ट इन डिसाइफर ऑफ हड़प्पा इंस्क्रिप्शंस यूजिंग रॉक पेंटिंग। यहाँ पर रॉक पेंटिंग पे भी सिमिलरिटी पाया गया है। लैंग्वेज यूज बाय द ट्राइब्स फॉर द गेटर पार्ट ऑफ वैदिक एज झारखंड रिमेन्ड बोरिट। यहाँ पर आप देख सकते कि महाजनपदस 16 जो महाजनपदस है उसके विषय में एक मैप दिया गया है। ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपदस अराउंड 500 BC इंडिया सॉ इमर्जेंस ऑफ 16 लार्ज स्टेट दैट कंट्रोल एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन दोज डेज। आप जानते हैं कि 16 जो स्टेट बना था, जो 16 महाजनपदस कहा जाता था, इंटर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करता था तब के दिनों में। तो यहाँ पर एक दिखाया जाएगा द ट्रिब्यूटरी मगध एम्पायर एंशिएंट बिहार। झारखंड स्टेट वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मगध एंशिएंट बिहार एम्पायर एंड साउदर्न पार्ट जो था ट्रिब्यूटरी ऑफ कलिंग जो एंशिएंट उड़ीसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये झारखंड का साउदर्न पार्ट है जो कलिंग और ये नॉर्दर्न पार्ट मगध बिहार का पार्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेजेंड राजा, यहाँ पर राजा जय सिंह देव जो उड़ीसा के राजा थे, तो हैड डिक्लेयर हिमसेल्फ द रूलर ऑफ झारखंड इन 13th century। 13वीं सेंचुरी में उन्होंने अपने आप को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, तो एक है ये तो एक इनको तो आना ही था क्योंकि वहाँ के पीपल जो वहाँ के लोग थे वो अत्याचारी राजा नहीं चाहते थे। तो आसपास के नेबरिंग स्टेट से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था काफ़ी सारे रूरल को जो वो आके कैप्चर करे झारखंड को, इसीलिए तो ये तो एक होना ही था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बोलना चाहिए, लोकल ट्राइब्स हेड्स एंड डेवलप्ड इनटू बर्बरिक डेकॉइट्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, हु कुड गवर्न द प्रोविंस नाइदर फेयरली नॉट जस्टली। कोई विचार व्यवस्था नहीं था,
Consequently, the people of this state approach the more powerful rulers of झारखंड नेबरिंग स्टेट, जो नेबरिंग स्टेट था उससे कुछ पावरफुल रूरल को वो चाहते थे कि आके झारखंड को कैप्चर करें. हु वर प्रिसीव्ड टू हैव मोर फेयर एंड जस्ट गवर्नेंस. ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अत्याचारी राजा रहे. ठीक है, दिस बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ वेयर इन रूरल ऑफ फ्रॉम उड़ीसा moved in with their armies and create a state that were governed for benefit of the people and involved their participation, thus ending the barbarism. यहाँ से barbarism का ending हुआ, अत्याचार का समाप्ति हुआ. ठीक है, और लोगों को एक गुट मुंडा राजा मिला. यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंडा राजा. द गुट ट्राइबल रूलर्स कंटिन्यू टू ट्राइब्स एंड वेयर नोन एज मुंडा राजा एंड एग्जिस्ट टू दिस डेज. आज तक भी ये मुंडा राजा है, यहाँ पर देखा जाता है. लेटर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द झारखंड एरिया वॉज नोन एज कुकारा. झारखंड को कुकारा कहा जाता था. झारखंड का बाउंड्री यहाँ पर दर्शाया जा रहा है. ठीक है, झारखंड इज़ बाउंडेड बाय वेस्ट बंगाल. यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इन द वेस्ट. ठीक है, और बिहार नॉर्थ में है, तो इसको और उड़ीसा साउथ में है. और इसको कैसे याद रखना है, आपको एक ट्रिक के द्वारा मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, तो उस झारखंड जीके को पार्ट वन को देख लीजिएगा तो अच्छे तरीके से याद आ जाएगा. ठीक है, झारखंड का मतलब है यानी कि झाड़ीज का मतलब बुशेस. ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, उतना ज़रूरी इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, और यहाँ से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ झारखंड एरिया वॉज नोन एज कुकारा, इसके बारे में मैंने आपको बोला. आफ्टर द और लेटर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड झारखंड एरिया वॉज कॉल्ड कुकारा. मुगल पीरियड में झारखंड एरिया को कुकारा कहा जाता था. ठीक है, मुगल पीरियड में झारखंड एरिया को कुकारा कहा जाता था. इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आए. और आफ्टर 1765 आप देख सकते हैं 1765, जबकि झारखंड इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आ गया था. इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड बिकम फॉर्मली नोन अंडर द प्रेजेंट टाइटल झारखंड, और झारखंड के नाम से जाने लगा. झारखंड का जो मीनिंग है के सामने है, लैंड ऑफ जंगल फॉरेस्ट एंड झाड़ीज यानी कि बुशेस, इस नाम से झारखंड नाम हुआ. ठीक है, और ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, इसको यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है. द कॉलोनाइजेशन ऑफ झारखंड हैज़ टू मेंशन इन झारखंड हिस्ट्री. कॉलोनाइजेशन बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द रिजल्ट डिस स्पॉन्टेनियस रेजिस्टेंस फ्रॉम द लोकल पीपल. लोकल पीपल के द्वारा विरोध होने लगा, इस कॉलोनाइजेशन के विरोध होने लगा लोकल पीपल के द्वारा. ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बिफोर इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुआ था 1857 को, आदिवासी ऑफ झारखंड वॉर ऑलरेडी बींग वाट वुड बिकम ए सीरीज ऑफ सेपरेट रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. ठीक है, ऑल ऑफ दिस अपराइजिंग वेर क्विल्ड बाय द ब्रिटिश थ्रू मैसिव डेवलपमेंट ऑफ ट्रूप अक्रॉस द रीजन. रोल ऑफ बिरसा मुंडा यहाँ से शुरू होता है. रोल ऑफ बिरसा मुंडा इन झारखंड हिस्ट्री, इस टाइम पीरियड को याद रखिएगा. 1875 से लेके 900
1900 तक इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सिद्धू कानू आर द लेजेंडरी हीरोज ऑफ द ट्राइबल ऑफ झारखंड स्टेट हु फॉट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द बिरसा मुंडा मूवमेंट इसको कहा जाता है, जो कि यहाँ से शुरू होता है। इसके बारे में मैं बाद में बोलता हूँ, 1914 से, ठीक है। यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स बाय नॉन ट्राइबल लैंड ओनर्स एंड मनी लैंडर्स, जो ज़मींदार होते थे वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। बिरसा मुंडा फॉट फॉर द ट्राइबल नेचुरल राइट्स ओवर फॉरेस्ट, ट्राइबल नेचुरल राइट्स ओवर फॉरेस्ट, लैंड वॉज मार्सिली बींग एक्वर्ड बाई द ब्रिटिश फॉर एक्सप्लॉयट। इनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, लेकिन इससे पहले यानी कि मुगल पीरियड में टैक्सेशन सिस्टम ऐसा नहीं था, क्योंकि 1% ही दिया जाता था। और इसके बाद टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा होता गया और एक्सप्लॉयटेशन होता गया। और इसके लिए जो फर्स्ट नेता उभर के आए, बिरसा मुंडा, याद रखिएगा, फॉट फॉर द ट्राइबल नेचुरल राइट्स ओवर फॉरेस्ट एंड लैंड दैट वॉज मर्सीलेसली बींग एक्वर्ड बाई द ब्रिटिश फॉर एक्सप्लॉयटेशन। आफ्टर ए लॉन्ग फाइट बिरसा मुंडा वॉज कैप्चर्ड बाई द ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड डेथ इन प्रिजन, ठीक है। उनका मौत जेल में ही मौत हो गया था उनका, ठीक है, इन 1914। इस टाइम पीरियड को याद रखिएगा, 1914। इसके बाद तेना भगत आए थे, द तेना भगत रेजिस्टेंस इन 1914 से लेके द 1914 तेना भगत रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्टेड इनके बाद, क्योंकि जेल में बिरसा मुंडा का मौत हो जाने के बाद तेना भगत आए थे इस आंदोलन में। तेना भगत जिन्होंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 26,000 आदिवासियों को एकत्रित किया, इवेंचुअली मार्ज विथ महात्मा गांधी सत्याग्रह के साथ, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इसके साथ जुड़ गया था, ठीक है। और इस हिस्टोरिकल तेना भगत मूवमेंट जो 1914 में हुआ था, अब इस 1914 को कैसे याद रखे विथ तेना भगत, ठीक है। तो एक वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम है रिमेम्बर एच। हाँ, तो जो मैं आपको बोल रहा था, एक वेबसाइट है रिमेम्बर एच, आ गया आपके सामने रिमेम्बर एच, ठीक तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन है, रिमेम्बरिंग नंबर इज मेड इजी वाया दिस ऑनलाइन नेमोनिक सर्च डायरेक्टरी, सबमिट नंबर एंड फाइंड इजी नेमोनिक्स यूजिंग द मेजर एंड काउंट सिस्टम। यहाँ पर मेजर और काउंट सिस्टम को ही दिखाया गया है, जबकि काफ़ी सारे नेमोनिक सिस्टम यानी इसको मेमोरी ट्रिक सिस्टम है। यहाँ पर आइए देखते हैं, छोटा सा उदाहरण है आपके लिए, 1914 इसको कैसे याद रखें। यहाँ पर देखिए कितने सारे निकल के बाहर आ गया, डिप्थेरिया। अब ए में जो सिस्टम क्या है, बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बारे में मेल भी किया है, ये सिस्टम क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ आपको, बड़े अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिएगा, जो फाइव हमारे जो वायल है EIOU उसको कैंसिल आउट किया जाता है। देखिए, मेजर सिस्टम इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेमोनिक सिस्टम दैट एग्जिस्ट टू नंबर, रिमेंबर नंबर, इवन लॉन्ग डिजिट
कैन बी वेरी इजी टू रिमेंबर इफ यू फाइंड द राइट कीवर्ड। ठीक है, राइट कीवर्ड को आपको पकड़ना होगा। अदर नेम्स फॉर दिस मेथड, फोनेटिक नंबर सिस्टम, फोनेटिक निमोनिक सिस्टम, और एक सिस्टम है हेरोगोइंस निमोनिक सिस्टम। द मेजर सिस्टम वी टेक कीवर्ड और की सेंटेंस एंड इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट एनी कॉन्सोनेंट टू डिजिट। वॉवेल डिड नॉट काउंट, जो पांच वॉवेल है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो एक काफ़ी सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आए थे, तो ये मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि इस वेबसाइट से आप करें। थोड़ा सा आपको ये कैसे होता है दिखाया जाएगा। एल जो है लैटिन 50 से होता है, एम जो है यहाँ पर देखिए 3 डाउन स्ट्रोक है, एक यहाँ पर नीचे, यहाँ पर 1 2 3 3 डाउन स्ट्रोक है, 4 आर से 4 होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया, थोड़ा सा देखिएगा। मैंने बहुत सारे रिसर्च किया है इसके ऊपर, हाउ टू रिमेंबर एनीथिंग सच एज नंबर नेम्स। तो मेरे पास एक्सटेंडेड ये है, एक्सटेंडेड रूप से है, यहाँ पर कुछ खामियाँ है, तो खैर छोड़िए, हमें थोड़ा सा रिमेंबर करना है। तो यहाँ पर देखिए डिप्थेरिया कैसे बनता है, ये देखिए आई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जो वायल्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। टी 1 डाउन स्ट्रोक है, तो टी के लिए 1 डाउन स्ट्रोक है, तो इसलिए टी और डी से क्या होता है 1 होता है, डी से 1 होगा। पी से क्या होता है, पी से 9 होता है, क्योंकि पी को अगर उल्टा दिया जाए तो इसको उल्टा कर दीजिए तो 9 होता है। ठीक है, तो डिप्थेरिया आप ले सकते हैं। तनु को डिप्थेरिया हो गया, ऐसे अगर आप सोचेंगे, देखिए डिप्थेरिया सर्च करूंगा तो डिप्थेरिया किसे होता है, डिप्थेरिया इमेज पे जाइए, इमेज पे जाने के बाद कुछ क्लिप आर्ट वगैरह ले लीजिए, क्लिप आर्ट डिप्थेरिया का क्लिप आर्ट। तो ऐसा सोचिए कि तनु नाम का कोई लड़की है, तनु, तनु नाम का कोई लड़की है, उसको डिप्थेरिया होगा। अब डिप्थेरिया क्यों, यहाँ पर मेजर टेक्निक से आप देख सकते हैं कि डी से 1 होता है, आई जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, चलिए मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो जो मैं आपको बोल रहा था, एक वेबसाइट है रिमेंबरेज, आ गया आपके सामने रिमेंबरेज, ठीक तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन है, रिमेंबरिंग नंबर इज मेड इजी वाया दिस ऑनलाइन निमोनिक सर्च डायरेक्टरी, सबमिट नंबर एंड फाइंड इजी निमोनिक्स यूजिंग द मेजर एंड काउंट सिस्टम। यहाँ पर मेजर और काउंट सिस्टम को ही दिखाया गया है, जबकि काफ़ी सारे निमोनिक सिस्टम यानी इसको मेमोरी ट्रिक सिस्टम है। यहाँ पर आइए देखते हैं, छोटा सा उदाहरण है आपके लिए, 1914 इसको कैसे याद रखे। यहाँ पर देखिए कितने सारे निकल के बाहर आ गया, डिप्थेरिया। अब ये में जो सिस्टम क्या है, बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बारे में मेल भी किया है, ये सिस्टम क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ आपको, बड़े अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिएगा, जो 5 हमारे जो वॉवेल है EIOU उसको कैंसिल आउट किया जाता है। देखिए मेजर सिस्टम इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निमोनिक सिस्टम दैट एग्जिस्ट टू नंबर रिमेंबर नंबर, इवन लॉन्ग डिजिट कैन बी वेरी इजी टू रिमेंबर इफ यू फाइंड द राइट कीवर्ड। ठीक है, राइट कीवर्ड को आपको पकड़ना होगा। अदर नेम्स फॉर दिस मेथड, फोनेटिक
नंबर सिस्टम, फोनेटिक निमोनिक सिस्टम, और एक सिस्टम है हेरोगोइंस में निमोनिक सिस्टम। द मेजर सिस्टम वी टेक कीवर्ड और की सेंटेंस एंड इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट एनी कॉन्सोनेंट टू डिजिट। वायवल डिड नॉट काउंट, जो पांच वायवल है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो ये काफ़ी सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आए थे, तो ये मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि इस वेबसाइट से आप करें। थोड़ा सा आपको ये कैसे होता है दिखा जाएगा। एल जो है लैटिन 50 से होता है, एम जो है यहाँ पर देखिए 3 डाउन स्ट्रोक है, एक यहाँ पर नीचे, यहाँ पर 1 2 3 3 डाउन स्ट्रोक है, 4 आर से 4 होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया, थोड़ा सा देखिएगा। मैंने बहुत सारे रिसर्च किया है इसके ऊपर, हाउ टू रिमेंबर एनीथिंग सच एज नंबर नेम्स। तो मेरे पास एक्सटेंडेड ये है, एक्सटेंडेड रूप से है, यहाँ पर कुछ खामियाँ है, तो खैर छोड़िए, हमें थोड़ा सा रिमेंबर करना है। तो यहाँ पर देखिए डिप्थेरिया कैसे बनता है, ये देखिए आई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जो वायल्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। टी 1 डाउन स्ट्रोक है, तो टी के लिए 1 डाउन स्ट्रोक है, तो इसलिए टी और डी से क्या होता है 1 होता है, डी से 1 होगा। पी से क्या होता है, पी से 9 होता है, क्योंकि पी को अगर उल्टा दिया जाए तो इसको उल्टा कर दीजिए तो 9 होता है, ठीक है। तो डिप्थेरिया आप ले सकते हैं, तनु को डिप्थेरिया हो गया, ऐसे अगर आप सोचेंगे। देखिए डिप्थेरिया अगर सर्च करूँगा तो डिप्थेरिया मक्खी से होता है, डिप्थेरिया इमेज पे जाइए, इमेज पे जाने के बाद कुछ क्लिप आर्ट वगैरह ले लीजिए, क्लिप आर्ट डिप्थेरिया का क्लिप आर्ट। तो ऐसा सोचिए कि तनु नाम का कोई लड़की है, तनु, तनु नाम का कोई लड़की है, उसको डिप्थेरिया होगा। अब डिप्थेरिया क्यों, यहाँ पर मेजर टेक्निक से आप देख सकते हैं कि डी से 1 होता है, आई जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, चलिए मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हाउ टू रिमेंबर, कैसे रिमेंबर करना है। हमने पहले देखा डिप्थेरिया को लिया था, तो डिप्थेरिया का जो डी है और टी है 1 डाउन स्ट्रोक है, इसलिए यहाँ पर 1 होता है डिप्थेरिया से। हमें रिमेंबर करना है, क्या रिमेंबर करना है, हमें रिमेंबर करना है 1914, और ए 1 है, ए 1 है, ठीक है। तो क्या होता है, डी से और टी से 1 होता है, क्योंकि 1 डाउन स्ट्रोक, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, और जो मैंने पहले भी कहा था जो वावेल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वावेल कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आर से क्या होता है, 4 होता है, एफ ओ यू आर, ओ यू आर, लास्ट जो है आर है, तो यहाँ पर 4 हुआ। और ए जो पी है, पी से 9 होता है, ठीक है, यहाँ पर 14 हुआ और पी से 9 हुआ। और कैसे होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पी को अगर मिरर इमेज किया जाए, मिरर इमेज किया जाए तो ए 9 होता है, ठीक है, थोड़ा सा 9 होता है। तो इसके बाद थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तेना भगत, कोई बात नहीं, इस प्रोनंसिएशन में ताना भगत जो है, ताना अगर आप सोच रहे हैं कि ताना, इसके नाम पे सिमिलर आप नाम कुछ ढूंढ लीजिए, जैसे मैंने कहा था तनु, तनु नाम को आप चूज़ कर सकते हैं, तनु नाम की कोई लड़की है, उसको डिप्थेरिया हो गया, और वो इस जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में पार्ट लिया था। तो ऐसे आप रिमेंबर कर सकते, ताना फर तनु,
और 1914 ये ताना भगत है। ताना भगत 1888 से लेके 1918 तक वॉज अ लीडर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, छोटनागपुर मॉडर्न झारखंड जिसको कहा जाता है। सोशल रिफॉर्मर, फॉट अगेंस्ट अंधविश्वास थे, सुपर स्टेशन जो थे, डार्कनेस प्रिवेलेंट अमंग द ट्राइबल्स, प्रीच नॉन वायलेंस, गांधी जी से अनुप्राणित थे, नॉन वायलेंस, पैन इंडियन एंड ग्लोबल डायमेंशंस। ठीक है, और इनका जो तानापंथीस थे को इस ट्रूप को एक ट्रूप बनाया था, दल बनाया था, इसको कहा जाता था तानापंथीस। तो इनका जो फिलोसफी थे था यहाँ पर है, ओ गॉड कॉल आस टूवर्ड्स यू। ठीक है, सिंपल लिविंग लाइफ लीड करते थे, सात्विक आहार लेते थे, सात्विक फूड, लव फॉर टीमिंग वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड फॉरेस्ट कैरेक्टराइज्ड तानापंथीस। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो झारखंड स्टेट लेवल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तानापंथीस मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते कि महात्मा गांधी सत्याग्रह यहाँ पर बोला गया है उसके बारे में। महात्मा गांधी सत्याग्रह सिविल डिसऑबिडियंट मूवमेंट जो लैंडमार्क बना था इन दिस मूवमेंट वॉज द फॉर्मेशंस ऑफ छोटनागपुर उन्नति समाज। इसके बाद बना था छोटनागपुर उन्नति समाज, आप देख सकते हैं, इसको याद रखिए, छोटनागपुर उन्नति समाज 1915 में बना था, जो सब स्टेट फॉर आदिवासी। इन लोगों का भी एक डिमांड था सब स्टेट बनाया जाए आदिवासी ओ के लिए। द डिमांड वॉज हाउएवर टर्न डाउन, इस डिमांड को रिजेक्टेड कर दिया गया था बाय साइमन कमीशन। सब स्टेट फॉर आदिवासी से रिजेक्टेड, डिनाई। रोल ऑफ महासभा इन झारखंड हिस्ट्री, इसके बाद जयपाल सिंह, रोल ऑफ महासभा, इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कशन करेंगे। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप वॉज द फॉर्मेशन ऑफ आदिवासी महासभा व्हिच सॉ नॉन ट्राइबल कमिंग आउट एंड ओपनली इन सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट। इसके बाद नॉन ट्राइबल जो लोग थे वो भी आ गए इस मूवमेंट में। ठीक है, नॉन ट्राइबल जो सिविलाइज्ड लोग थे वो भी इस मूवमेंट में आ गए, और वो भी बोलने लगे कि सेपरेट स्टेट दिया जाए आदिवासियों के लिए। अमंग दोस हुज सेपरेटेड द झारखंड मूवमेंट वॉज जयपाल सिंह। जयपाल सिंह ये थे ऑक्सफोर्ड रिटर्न ट्राइबल क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन हो गए थे, हु हेल्प द रीजनल एस्पराइजिंग अगेन नेशनल रिकॉग्निशंस। उन्होंने हेल्प किया था, ऑक्सफोर्ड ब्लू इनको मिला था हॉकी के लिए। द फर्स्ट इंडियन, इसको याद रखिएगा, द फर्स्ट इंडियन स्टूडेंट टू कन्वर्ट ऑक्सफोर्ड ब्लू इन हॉकी, ऑक्सफोर्ड ब्लू, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जयपाल सिंह मुंडा को मिला था आफ्टर इनिशियल स्कूलिंग एट द विलेज चार्ज स्कूल। जयपाल सिंह आफ्टर सेंट पॉल्स स्कूल जो रांची में है, सेंट पॉल स्कूल रांची, वहाँ पर पढ़ते थे। रन बाय द क्रिश्चियंस मिशनरी ऑफ एसपीजी मिशन ऑफ चार्ज ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के चर्च के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, आदिवासी महासभा वॉज रिक्रिस्टनाइज, आदिवासी महासभा को रिक्रिस्टनाइज किया गया था, रिक्रिस्टनाइज। झारखंड पार्टी हेयर इन 1949 अंडर द लीडरशिप ऑफ जयपाल सिंह, 1949 अंडर द लीडरशिप ऑफ जयपाल सिंह। ठीक है, इट वॉज विद द इमर्जेंस ऑफ दिस पार्टी दैट द झारखंड मूवमेंट बिकम प्योरली पॉलिटिकल। झारखंड मूवमेंट जो था वो प्योरली पॉलिटिकल बन गया था। ठीक है, अब कोई रीजनल स्टेट के लिए ये मूवमेंट नहीं था, ये पॉलिटिकल एक स्टेप बन गया था। ठीक है, झारखंड पार्टी बिकम द लार्जेस्ट
अपोजिशन पार्टी इन द बिहार असेंबली। बिहार असेंबली में झारखंड पार्टी लार्जेस्ट असेंबली लार्जेस्ट एक्ट अपोजिशन बन गया था, ठीक है, और विनिंग ऑल द 32 सीट्स इज फ्रॉम साउथ बिहार, गिविंग फ्रेश इनपुट्स गोज टू द गवर्नमेंट फॉर सेपरेट स्टेट। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, इस यहाँ पर विस्तार से बोला जा रहा था है, तो थोड़ा सा सुनिएगा। वहाँ पर ये है एनी होरा होरो, एज ए कॉन्सिक्वेंस जयपाल सिंह फॉल इन टू इट्स ट्रैप एंड ज्वाइन कांग्रेस विथ हिज फॉलोअर्स इन 1963। यार को याद रखिएगा 1963। एनी होरो इनका नाम है, एनी होरो, ए क्लोज एसोसिएट ऑफ जयपाल सिंह, हैव रिफ्यूज टू ज्वाइन द कांग्रेस एंड केप्ट द झारखंड प्लान झारखंड फ्लैग फ्लाइंग। इन्होंने कांग्रेस के साथ ज्वाइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था और झारखंड पार्टी में रह गए। बट द लूज ऑफ झारखंड पार्टी वेटरन्स सो ज्वाइन कांग्रेस प्रूव टू मच फॉर द प्रो स्टेटहुड फोर्स इज स्ट्रेंथ स्टेडीली फोर्स्ड इन सक्सेसिव इलेक्शंस इन सिंस 1969। फिर बना झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, इसको याद रखिएगा JAAC, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, जो बना था अगस्त 1995 में, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड इन झारखंड हिस्ट्री, ठीक है, इस डेट को याद रखिए। रोल ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा इन झारखंड हिस्ट्री, अडोप्टेशन ऑफ रेजोल्यूशन लिया गया था फॉर क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट, जिसके दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा बना था 1972 को, ठीक है, ऐसे याद रखिए कि बांग्लादेश बना था 1971 को, ठीक एक साल बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा 1972 को। द ग्रोथ स्ट्रेथ ऑफ द JAM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वॉज रिफ्लेक्ट इन लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस एंड डिमांडेड फॉर द स्टेटहुड फॉर फर्स्ट टाइम स्टुक द कैरियर ऑफ पावर विद द देन प्राइम मिनिस्टर तब थे मिस्टर राजीव गांधी सिटिंग ऑफ कॉमेटी झारखंड मैटर्स CO झारखंड मैटर्स COJM झारखंड मैटर्स एक कॉमेटी बनाया गया था झारखंड मैटर को डिस्कस करने के लिए, तब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। द लाइट ऑफ रिकमेंडेशंस बाय द COJM, COJM का मतलब मैंने बताया था झारखंड मैटर्स, प्रोलोंग्ड negotiations between center and Bihar government and the movement leaders lead to setting up of Jharkhand area autonomous council JAAC August 1995, August 1995, but it was held as a major step towards the creations of Jharkhand। RJD पार्टी के तरफ आते हैं, इस तारीख को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट तारीख है। द बिहार गवर्नमेंट ऑन जुलाई 22, 1997 अडोप्टेड रेजोल्यूशन, इस रेजोल्यूशन लिया गया फॉर क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट, सेपरेट स्टेट के लिए एक रेजोल्यूशन लिया गया असेंबली में, बिहार असेंबली में, जो RJD सपोर्ट कर रहा था, जिसका लीडर थे लालू प्रसाद यादव। इन 1998 1998 सॉरी गलत हो गया
98। हाँ, एक बार आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव, यहाँ पर आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव रिवर्स्ड हिज स्टैंड ऑन झारखंड स्टेटहुड। उन्होंने अपना मत अलग कर लिया झारखंड स्टेट बनाने से। जेएम रिएक्ट शार्पली विदड्रॉइंग द इट सपोर्ट टू द आरजेडी गवर्नमेंट। आरजेडी गवर्नमेंट से उन्होंने सपोर्ट, अपना सपोर्ट उठा लिया। आफ्टर द लास्ट असेंबली इलेक्शंस इन द स्टेट थ्रू आप ए हैंग असेंबली आरजेडी डिपेंड्स ऑन द कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट ऑन द प्री कंडीशंस दैट आरजेडी विल नॉट पोज हंडल टू द पैसेज ऑफ बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो झारखंड बिल के नाम से जाना जाता था। फाइनली विथ सपोर्ट फ्रॉम बोथ आरजेडी, एक तो था आरजेडी के पास से सपोर्ट मिला एंड कांग्रेस के पास से सपोर्ट मिला। कांग्रेस पर कांग लिख रहा हूँ, कांग्रेस के पास से सपोर्ट मिला। द रूलिंग कॉलिशंस एट द सेंटर लीड बाई द बीजेपी विच हैज़ मेड स्टेट हुड इट्स मेल पोल प्लांग इन द रीजन इन सक्सेसिव पोल्स आर लियर क्लियर द झारखंड बिल। झारखंड बिल को क्लियर कर दिया गया था इन मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इसके बाद झारखंड स्टेट बना। और इसके बाद हम लोग कुछ टाइमलाइन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुल मिलिट्री मोबिलाइजेशन टू ब्रिंग संथाल परगना अंडर ब्रिटिश रूल। कब? मैंने कहा था कि 1765 के बाद जो झारखंड है वो ब्रिटिश रूल के अंडर आ गए थे, अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। वेबसाइट है रिमेंबर एज, वहाँ पर जाइएगा और लिंक, एक लिंक स्टोरी बनाइएगा, उस लिंक स्टोरी से आपको सब याद आ जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो मेल कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़िया रिवॉल्ट, याद रखिएगा 1772 से 18, फिर 1780 से 85। ठीक है, फिर 1785 थोड़ा सा आँख मान लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तमार रिवोल्ट जो 1795 से 1800 तक चला था। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको याद में रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारा का सारा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो अच्छे से बार बार पढ़िएगा। 1914 तना भगत, जिसके बारे में अभी आपको नेमोनिक सिस्टम से मैंने बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26,000 ट्राइबल यानी कि आदिवासियों को उन्होंने एकत्रित किया था और एक मूवमेंट जो अहिंसा मूवमेंट, नॉन वायलेंस मूवमेंट की तरफ जा रहा था। ये 1914 आ गया। 1915 पब्लिकेशंस ऑफ आदिवासी टाइटल मैगजीन स्टार्टेड। ठीक है, और साइमन कमीशन प्रेजेंटेड विद ए मेमोरेंडम विच डिमांडेड द इंफॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट। ठीक है, ये थोड़ा सा फिर तो मैंने बताया कि साइमन कमीशन ने इसको डिनाई कर दिया था, सेपरेट स्टेटहुड का जो डिमांड था। यहाँ पर उड़ीसा वॉज क्रिएटेड एज ए सेपरेट स्टेट, ये यहाँ पर देखिए 1936 बहुत इम्पोर्टेंट है। 1947 ऑन डिसम्बर 28 ऑल इंडिया झारखंड पार्टी केम इन टू
एग्जिस्ट, यहाँ पर याद रखिएगा, फिर झारखंड पार्टी वाज इलेक्टेड टू विधानसभा एज ए मेन अपोजिशन पार्टी, कब बना था, 1951, 1969, सिद्धू सोरेन फाउंडेड सोनाट संताल समाज, ए के रॉय फाउंडेड मार्क्सिस्ट एमसीसी टू डिमांड द सेपरेट झारखंड स्टेट, 1973 एनी हॉरो नेम्ड हिज पार्टी एज अ झारखंड पार्टी, एंड मार्च 12th ही प्रेजेंटेड द देन प्राइम मिनिस्टर अ मेमोरेंडम फॉर सेपरेट झारखंड स्टेट, ठीक है, 1977, 1978, 1980 एस्टेब्लिश्ड ऑफ झारखंड क्रांति दल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए झारखंड क्रांति दल, झारखंड पार्टी अपोज्ड फॉर सेपरेट झारखंड स्टेट व्हिच इंक्लूड नॉट ओनली छोटनागपुर सांतल परगना ऑफ बिहार बट एट जॉइनिंग एरिया ऑफ बंगाल, बंगाल इसीलिए झारखंड में बंगाली लैंग्वेज को भी समझा जाता है, समझते हैं, मैंने देखा भी है, यहाँ पर देखिए September 25 ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के स्टूडेंट यूनियन गेव इट्स फर्स्ट कॉल फॉर झारखंड बंद, ह्यूज सक्सेस, 1987, 1989, 72 आवर्स इकोनॉमिक ब्लॉकेट बाय ए जी एस यू वॉज टोटल सक्सेस, फिर इसके बाद 1994, 1995, 1997, 1997 दो है यहाँ पर, टोटल टाइमलाइन आपके सामने है, रांची द झारखंड डेवलपमेंट ऑटोनोमस काउंसिल ये बहुत इम्पोर्टेंट है 1994 को, ठीक है, फिर 2000 को जो जो हुआ है ये थोड़ा सा देख लीजिए, ऑन August 2 द बिल क्रिएट अ सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड वी कार्व्ड आउट बिहार वॉज पास्ड इन लोकसभा, लोकसभा में पास हो गया था 2000 ऑन August 2, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, August 11 पार्लियामेंट अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड व्हेन द राज्यसभा पास्ड द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट आउट ऑफ बिहार नॉर्दर्न रीजन, यहाँ पर 2020 प्रेसिडेंट मिस्टर के आर नारायणन अप्रूव्ड द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 अक्टूबर 12 को क्या हुआ था, सेंटर हैज इशूड द गेजेट नोटिफिकेशन शोइंग November 15 एज ए अपॉइंट एज द अपॉइंटेड डेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू झारखंड गवर्नमेंट, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि झारखंड में मिनरल क्या, मिनरल सोर्सेज क्या क्या मिलते हैं, तो यूरेनियम माइका बॉक्साइट ग्रेनाइट गोल्ड सिल्वर ग्राफाइट, ठीक है, ये सब मिलता है, कोल मिलता है 32% ऑफ इंडिया के, 32% कोल यहाँ से मिलता है, कॉपर भी मिलता है यहाँ से, 25% ऑफ इंडिया है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और यही कारण है कि बहुत सारा जंगल काटा जाता है और इसीलिए आदिवासी को बेघर होना पड़ता है, और ये यही कारण है कि माओवाद वहाँ पर ज़्यादा फैल गया है, ठीक है, अगर देखिए फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स ऑक्यूपाइड मोर देन 29% ऑफ द स्टेट ऑफ व्हिच अमंग इज द हाईएस्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, अब कोई भी सर्च इंजन में जाइए और जाके टाइप कीजिए GK पंडित जी,